नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आंगनवाड़ी की न्यूज़ लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, यह न्यूज़ है आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई पूरक पोषण आहार को लेकर। 16 अगस्त 2018 को एक भोपाल से आदेश आया हुआ है, सारे कलेक्टर के लिए यह आदेश है, लिखा हुआ है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में हितग्राहियों को गुणवत्ता युक्त पूरक पोषण आहार वितरण करने का मामला है। ये दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है, मैं आपको इसका सार समझाता हूँ। दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि बहुत सारे हितग्राही और काफ़ी परियोजना और जिला के कई कार्यालयों से और समाचार पत्रों के माध्यम से आंगनबाड़ी में पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता बहुत हीन पाई गई हो और उसकी शिकायत आती है, उसको संज्ञान में लेकर यह प्रपत्र जारी किया गया है। इसमें बाकायदा कहा गया है कि प्रत्येक, यहाँ पर दूसरे नंबर का आप पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं आप, प्रत्येक प्रदायकर्ता को गुणवत्ता युक्त एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरक पोषण आहार प्रदान करना अनिवार्य है। दोस्तों, इसमें जो तीसरे नंबर का है उसमें बाकायदा बताया गया है कि यदि कहीं पर भी पोषण आहार से संबंधित कोई शिकायत पाई जाती है तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित हो और वह इस प्रकरण की जांच करे कि पोषण आहार, पूरक पोषण आहार में क्या नहीं है और यह इसकी गुणवत्ता क्यों खराब है, और जो भी इसमें अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। नियम अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तो लपेड़े में लिया ही है, साथ में यदि कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यह भी कहा गया है इसमें कि वह जो भी पूरक पोषण आहार है उसको वितरण करने से पहले रोज़ाना चखें, मतलब उसको खाएं खुद, और फिर यह सुनिश्चित करें कि यह पोषण आहार की क्वालिटी अच्छी है और इसका हितग्राहियों को पोषण पूरक आहार का विवरण करें, वितरण करें, इसमें एक पंचनामा तैयार करें और फिर इसको बच्चों को बांटें या हितग्राहियों को बांटें। यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो कर्मचारी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई अनुसार, शासन के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, हम इसी प्रकार की आंगनबाड़ी न्यूज, सरकारी न्यूज, भारत सरकार से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड न्यूज अपने इस चैनल पर डालते रहते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगा हो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली आंगनबाड़ी से रिलेटेड या सरकारी काम से कोई भी चीज़ रिलेटेड न्यूज होगी वह आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।